प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कच्चे मकानों व झोपड़ी में रहने वाले सभी परिवारों को पक्का आवास देने का प्रावधान है, परंतु बड़े अफसोस की बात है, भदोही जनपद अभोरी ब्लॉक के दानुपुर पश्चिम पट्टी गांव में देवराजी सहित 30 परिवारों को आज तक किसी प्रकार का आवास न मिलने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास घर दुआ नहीं ना, थोड़ा सा सरपत काट के ले आए थे तो टाटी तरह बांध दिए थे। जिसकी आवास नहीं है उसका घर गिरा था, उसका मड़ई टूटी है, बच्चा खाए बिना मर रहा है। बच्चा एक बेला खाएगी, एक बेला उपवास करेगी, ठीक हो, लेकिन जब घर चूहे लगा तो ओके बिना कहाँ लेके डोलबा फिरबा। बहुत प्रयास किया, तीन चार ठे प्रधान बहन हाथ जोड़ा बोल ले परा, घुसपताई मांगन, हमारे पास घुसपताई ना ही ना, दूठे बच्चा जी आए घुसपताई कहाँ से दे, आवास नहीं पावा, बहुत प्रयास किया। कुल कितना लोग हैं जो कि आवास नहीं बा? 30 मने गरीब हैं। मड़ई में साल भरे में दू जाए हमें छावे पड़त, जेठ बैसाख के घाम लागत है तो फाट के लम्बा हो जाते हैं, आंधी तूफान में उड़ जाते हैं। फिर कुवार कार्तिक में अक्टूबर नवंबर में फिर लिया के डाली छे, इन्होंने कुछ समस्या बा, घर मांगत मांगत, क्वार्टर मांगत मांगत, आवास मांगत मांगत थकित हो गए, 70 बरस उम्र हो गई, न तो आवास मिला और न तो पेंशन बन पाए। कितना सरकार आई कितना सरकार गई, अब देखा का करत है नरेंद्र मोदी का न करी है। साहब हमारे समस्या, हमारे घर दुआ ना आई, घर हमारा चूहा था, घर दुआ कुल गिर पड़ा हुआ, हमारे मालिक के 10 महीने हवा भी मार दे रहा, उसको दवाई भी चल रहा है, मैं सब रह कतौ शरण ना ही, बरसात में खटिया यहाँ सुबह सरकाओ, चूल्हा कहीं भीजा था, सब दिक्कत परेशानी में सकी, हमें तो आवास चाहे, घर चाहे रह ठिकान ना ही, सब कैसे है कि हमारी सब बहुत आत्मा दुखी बा, का बताई। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि अभोली ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है 94546-5130 पर कॉल कर दबाव बनाए और हमारी मदद करें। मैं केशा देवी भदोही जिला से, इंडिया अनहर्ड के लिए।